हे गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइज, यहाँ पर मैं बना रही हूँ वेजिटेबल पुलाव। और हाँ, उस दिन वेजिटेबल पुलाव जो आपको दिखाया था ना, उस दिन बहुत लोगों ने बोला था कि दी इसमें क्या क्या डाला है, इसमें कौन से मसाले आप यूज़ करते हो। तो मैंने सोचा चलो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आज भी वेजिटेबल पुलाव बनने वाला था और ज़्यादा जब टाइम नहीं रहता है ना, तो मैं ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ, यहाँ पर वेजिटेबल पुलाव बना लेती हूँ बस वही। और ये जो बीन्स भी डाल सकते हो, और ये हमारे यहाँ पे जो क्या बोलते हैं बरबटी की फल्ली, तो उसे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं हिंदी में, बरबटी को क्या बोलते हैं बताना ज़रूर कमेंट करके। तो वही मैं काट लूँगी। और उसके बाद यहाँ पर प्याज काट रही हूँ और टोमेटो, और हाँ खड़े मसाले डालने हैं बस, प्याज टोमेटो और वो बीन्स काटी थी, और हाँ आलू भी काटे थे, आलू और बहुत सारी सब्जियाँ आप इसमें ऐड कर सकते हो, जो भी सब्जियाँ आपके घर में है वो सब्जियाँ आप इसमें ऐड कर सकते हो। और मेरे घर पे जो पेंटर थे ना, उन्होंने भी मुझे बताया था कि इसे तारी बोलते हैं। एक्चुअली तारी तो थोड़ी सी अलग होती है, बोलते हैं दाल डालते हैं तारी में, हम लोग दाल नहीं डालते हैं वेजिटेबल पुलाव में, सिर्फ तो चावल ही होता है ना, चावल ही डालते हैं हम लोग। जो मुस्लिम मुझे देख रहा है उनको तो पता ही होगा तारी कैसे बनती है, और बट मुझे नहीं पता तारी कैसे बनती है। उन्होंने ही मुझे बताया था कि मैम ऐसा ऐसा बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने गैस पे कुकर चढ़ा दिया है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, मतलब ऑयल डालूंगी और उसके बाद उसमें खड़े मसाले डालूंगी, सारे के सारे खड़े मसाले डालूंगी, और उसके बाद जीरा राई, फिर जीरा राई चटकने के बाद प्याज डालूंगी, और प्याज हो जाने के बाद उसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी हो जाने देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा ही था, इसी वजह से वो नीचे बैठ गया था। यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, उसे अच्छे से भून लूँगी, और उसके बाद उसमें प्याज ऐड करूँगी और जो खड़े मसाले हैं वो ऐड करूँगी, और बस उसके बाद आपको जो भी आपने सब्जियाँ काट के रखी है वो ऐड कर देना है, उसे अच्छे से चला लेना है। फिर आपको हल्दी, नमक और फिर आपको मसाले ऐड कर देने हैं। अगर आपके पास बिरयानी मसाला हो तो एवरेस्ट का बिरयानी मसाला था मेरे पास, तो वो मैं डालती थी, और नहीं हो तो खड़े मसाले ही, मतलब खड़े मसाले गरम मसाले वही होते हैं, तो थोड़ा सा गरम मसाला डाल देना, उसमें ही हो जाएगा। वैसे भी आप खड़े मसाले तो डाल रहे हो, ऊपर से गरम मसाला डाल देना और हो जाएगा। और थोड़ा सा मिर्च है तो हरी मिर्च डाल देना, नहीं तो फिर लाल मिर्च है तो लाल मिर्च डाल देना। आप दोनों मिक्स भी कर सकते हो, जैसे कि थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल सकते हो, थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने खड़े मसालों में क्या क्या डाला है वो आपको बता देती हूँ। तेज पत्ता डाला है, शाही जीरा डाला है, लौंग डाली है, इलायची डाली है, बड़ी इलायची डाली है, उसके बाद वो क्या बोलते हैं उसे काली मिर्च वो डाली है। बस ये डाल के अच्छे से उसको भून लिया है। उसके बाद मसाले डाल रही हूँ, हल्दी, उसके बाद ये धनिया पाउडर, उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, ये सारे मसाले डाल दूँगी, और उसके बाद ये सब कुछ हो जाने के बाद अपने सब्जियाँ डाल दूँगी, और उसके बाद अपना चावल डाल दूँगी धो के। बस उसके बाद दो सीटियाँ ले लेनी है और बन जाएगा आपका वेजिटेबल पुलाव। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, एक दो चम्मच, क्योंकि थोड़ा सा घी डालते हो ना तो चावल खिले खिले से बनते हैं, तो बस थोड़ा सा घी भी डाल रही हूँ इसमें, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। फ्लेवर के लिए घी डालना ज़रूरी है, फ्लेवर आने के लिए और खिला खिला चावल बनने के लिए, और मेरे यहाँ पे ना थोड़ा सा खिला खिला चावल चाहिए। यहाँ पर चावल डालने के बाद ना मैं मिक्स करके ऊपर से गर्म पानी ऐड कर दूँगी, और पानी ना आपको मेजरमेंट अपने चावल के अकॉर्डिंग लेना है। जैसे कि आपने एक गिलास चावल लिए है तो उसके लिए आपको डेढ़ गिलास पानी डालना पड़ेगा, डेढ़ ग्लास से थोड़ा सा कम बस। उसके बाद लीड लगा के दो विसल ले लेनी है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो कैसे हो आप सभी लोग, सबसे पहले बताइए कमेंट करके। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, और हाँ आज कोई आने वाला है तो वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा कौन आने वाला है, तो उनसे मैं आपको बाद में मिलवाऊंगी। हे गाइस, आप लोग बोल रहे थे ना उस दिन मैंने सबके लिए शॉपिंग की थी और इनके लिए ही शॉपिंग नहीं की थी, तो मैंने बोला था ना आपको कि मैंने इनके लिए कुछ ऑर्डर कर रखा है और वो जब आएगा तब आपके साथ शेयर करूंगी। तो वो मैंने उस टाइम सेल के टाइम पे ही ऑर्डर किया था और बीच में कुछ चल नहीं रहा था, तो इसी वजह से मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। अभी सेल चल रहा है तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि अगर आपको लेना है तो आपको भी फायदा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं अभी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहला मैंने जो लिया है वो है ये स्पार्क का शू, जो कि है रनिंग शू, और इतना बढ़िया शू है प्राइस के अकॉर्डिंग, आपको क्या ही बताऊँ। मतलब स्पार्क के शू प्राइस के अकॉर्डिंग सच में बहुत अच्छे होते हैं,
इससे पहले भी इनके पास दो शू है स्पार्क के ही, और दोबारा से मैंने स्पार्क का ही ये वाला शू लिया है, और यहाँ पर ब्रांडिंग दी होती है स्पार्क की इस तरह से, और यहाँ पर भी स्पार्क लिखा है, और नीचे कुछ इस तरह से सोल है, बहुत ही कंफर्टेबल सोल है इसका, और बहुत लाइट वेट मटेरियल में ये शू है। पेयर आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से इसका पेयर है, देखो कुछ इस तरह से पेयर है, बहुत ही बढ़िया वाला शू है ये, इसलिए जिम के लिए लिया है, मतलब रेगुलर के लिए भी, और एक शू लिया है रेगुलर के लिए इनके लिए, तो वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। इसके बाद मैंने ये पूमा की सैंडल मंगाई थी उनके लिए, तो ये है ग्रे एंड नियॉन कलर में, और इतनी सुंदर दिखती है, पूमा तो है यार ब्रांड, बट ये पहनने के बाद भी इतनी सुंदर दिखती है, नियॉन कलर इतना डार्क कलर है बट फिर भी इतनी प्यारी लगती है पहनने के बाद, और कलर इतना उठ के दिखता है। यहाँ पर ग्रे कलर में ये पूरा ऊपर से ग्रे कलर है और नियॉन कलर अंदर से है इसके, और यहाँ पर पूमा की ब्रांडिंग है, मतलब पूमा का लोगो है, और यहाँ पर पूमा लिखा हुआ है। इतनी सुंदर कि आपको क्या बताओ, मतलब बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल भी, और पहनने के बाद भी बहुत स्टाइलिश लगती है। तो ये है इनके, और इनको साइज 9 लगता है, तो 9 साइज में ऑर्डर किया है, और आपको अगर लेना है तो आपको आपके हस्बैंड की जो भी साइज है आप ले सकते हो। अभी सेल चल रहा है तो अभी प्राइस कम हो गई है, तो इसी वजह से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। उस टाइम भी सेल चल रहा था तो उस टाइम भी मैंने थोड़ा सा सस्ता ही लिया था, और अभी भी सेल चल रहा है तो अभी भी आपको थोड़ा सस्ता ही मिल जाएगा, और बीच में प्राइस थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। ये है पूमा का शू, इनके लिए मैंने ऑर्डर किया था, और ये तो स्पार्क के शू से भी लाइट वेट है, बहुत ज्यादा लाइट वेट। अभी दो शू हाथ में पकड़े हैं बट ऐसा लग नहीं रहा है कि मैंने दोनों शूज हाथ में पकड़े हुए हैं, और पूमा की क्वालिटी तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, बस पैटर्न देख लो आप। पैटर्न यहाँ पर पूमा की ब्रांडिंग दी हुई है व्हाइट कलर में, और उसके बाद पूरा ब्लैक कलर का शू है। एक्चुअली ये भी रनिंग शू है पूमा का, और जिम के लिए ऐसे ही कंफर्टेबल शू होने चाहिए, नहीं तो फिर नी पेन एंकल पेन होने लगता है, तो इसी वजह से ये शू इनके लिए लिए हैं। एक्चुअली इनका पहले का भी स्पार्क का शू था बट वो बाहर यूज करते थे ना, अभी वो शूज बाहर यूज करते थे, तो इसीलिए वो जिम में लेके जाना, मतलब जो बाहर के शू होते हैं वो जिम में नहीं लेके जा सकते हम लोग, तो इसीलिए मैंने इस बार ये दो शू इनके लिए ऑर्डर किए हैं, और ये भी मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया है। यहाँ पर पूमा का लोगो है, और उसके बाद नीचे भी पूमा का लोगो है, और ऊपर भी पूमा पूमा पूमा, हर जगह पूमा पूमा। बाद मैंने इनके लिए जिम के लिए लोअर लिया है। एक्चुअली मैंने जैकेट भी ऑर्डर किया था, बट जैकेट ना थोड़ा सा इनको लूज हो रहा था, मतलब इनके साइज का ही ऑर्डर किया था बट लूज हो रहा था, पता नहीं उस पर्टिकुलर जैकेट में हो सकता है वो साइज बड़ी है। मैं जब कम साइज का ऑर्डर करने के लिए गई छोटे साइज का, तो वो आउट ऑफ स्टॉक था, इसीलिए वो ऑर्डर नहीं हो पाया, नहीं तो वो भी आपके साथ शेयर करती। अभी जब वो स्टॉक में आ जाएगा तब मैं इनके लिए वो ऑर्डर कर दूंगी। और यहाँ पर है ये पूमा का लोअर, और ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ पर देखो ये पॉकेट है दोनों साइड से, वैसे जेंट्स के लिए पॉकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पर पूमा का लोगो है, यहाँ पर जो चैन लगाई हुई है वो पीच कलर में लगाई हुई है, इसकी वजह से बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ पर ये जो डोरी है वो भी पीच कलर की डोरी है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का लोअर है गाइज। मतलब ये जॉगर है एक्चुअली, ये देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से कट है, नीचे से जॉगर टाइट होता है ऊपर से लूज होता है, तो इस तरह से इसकी फिटिंग आती है, बहुत सुंदर लगता है गाइज ये। और तो ये थी इनकी आज की शॉपिंग, जो इनके लिए मैंने जब सेल चल रहा था तब ली थी, और इन सारी चीजों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे दूंगी, आप चेक कर लेना। अगर आपको भी लेनी है तो आप अपने हस्बैंड के साइज के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो इसे, और अगर परचेस करना है तो अभी सही टाइम है गाइस, परचेस कर सकते हो, क्योंकि अभी सेल चल रहा है ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल, तो उसका आप फायदा उठा सकते हो। जल्दी से परचेस करना है तो परचेस कर लीजिए, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे डील आपको मिलने वाली है। और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, एक सेपरेट लिंक भी आपके लिए दे दिया है मैंने, और एक माई हॉल स्टोर का लिंक भी दे दिया है, तो आप चेक कर सकते हो। अगर आप माई हॉल स्टोर के लिंक पर क्लिक करोगे तो ये सारे प्रोडक्ट एक ही जगह पर आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर गए अद्विक का नहाना बाकी था, तो अद्विक को नहला दिया है और अद्विक को रेडी कर रही हूँ। अद्विक को रेडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, मतलब वो जल्दी से हाथ में ही नहीं आता है, बस यहाँ पर उसको बहला फुसला के रेडी करके देना पड़ता है। और देखो ऐसे ही उसके साथ हमेशा करना पड़ता है, ये गेम खेल रहे हैं जैसे कि यहाँ पर यो यो चल रहा है हमारा, वही मतलब जो वो गेम देखता है या जो खेलता है उसके साथ वैसे ही खेलना पड़ता है हमें, या उसके साथ वैसे ही रहना पड़ता है। तो बस उसको रेडी कर दूंगी और वो खेलने के लिए
फ्री हो जाएगा फिर। और अभी भैया आया है तो भैया के हाथ से उसे रेडी होना था, देखो। और इसका ऐसा ही होता है, जो भी गेस्ट आते हैं या जो भी घर वाले भी आते हैं तो उनके हाथ से ही उनको उसको करना होता है। देखो ऑयल तो लगा लिया अभी मंथन के हाथों से, बट उसको हेयर स्टाइल मेरे हाथों से बनानी है क्योंकि वो ऊपर कर रहा था उसके बाल, तो इसी वजह से उसको पसंद नहीं आया। अभी मेरे हाथों से बना लेगा और चला जाएगा खेलने के लिए उनके साथ। खाने में क्या क्या बना है वो भी बता देती हूँ आपको। आज खाने में है दाल चावल रोटी सब्जी। हाँ, मैं आपको मिलवाती हूँ, मिलवाती बोल रही कि बड़े पापा से मिलवाओ, भैया से मिलवाओ, सबसे मिलवाओ। एक मिनट आज, हाँ नाम, एक मिनट। तो भिंडी की सब्जी बनी है, दाल पालक बना है, रोटी और चावल बने हैं। तो बस खाना खाने वाला है, दीदी नहा ले उसके बाद खाना खाएंगे। अद्विक और दोगे आप वो? तोड़फोड़ नहीं है अद्विक के हाथ में। अरे आणि काय म्हणते माहिती आहे का, तोडफोड नाही आहे माझ्या हातात, मेरे हात में तोडफोड नाही आहे। हा 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 मिलवाओ मिलवाओ। अच्छा हा, हमारे घर के सबसे बड़े भैया नीचे आओ। ये छोटे भैया है और ये बड़े भैया है, इनसे तो पहले ही मिल चुके सब, सिर्फ छोटे भैया से मिलना बाकी था, है ना? हाँ, ये छोटे भैया है हमारे मंथन, जिसके लिए टी शर्ट लाना भूल गए थे हम लोग। टी शर्ट आणलं मंथन तुझ्यासाठी, तू बघितलं का? थांब दाखवते तुला, तू दाखवलंच नाही त्याला, कुठे ठेवलेलं आहे? ये है मंथन का टी शर्ट, मंथन घालून दाखव, पहन के दिखाएगा अभी मंथन आपको। भैया क्या कर रहे हैं? अरे ये डेंटेड एंड ये आ गया है मंथन, छान वाटला? छान है ना, साइज बरोबर झाली पण ही कंकाल भी है, अद्विक जैसा कंकाल। अद्विक आपको पसंद आया क्या? अद्विक अद्विक के कपड़े बाद में दिखाऊंगी वो भैया को अभी, ठीक है? बाय बाय। चलिए गाइस, अभी बज रहे हैं 3 और भैया भाभी आए हैं, मतलब भैया भाभी मीन्स भैया और दीदी आए हैं। हम लोग दीदी बोलते हैं जिठानी को, और आप लोगों के साइड में भाभी बोलते हैं जिठानी को, बट हम लोग दीदी बोलते हैं, तो इसी वजह से दीदी और भैया आए हैं। चलिए गाइस, अभी हम लोग खाना खाने वाले हैं, दीदी और मैं ही रह गया है। दीदी देखो, मेरी जेठानी बड़ी शर्माती है, इसी वजह से हम लोग ऐसे ज्यादा, मैं इनके सामने वो कर नहीं सकती हूँ, व्लॉगिंग नहीं कर सकती। देखो देख ही भी नहीं रहे हैं यहाँ पे, तो दीदी हाय बोल दो। देखो, और हाँ भैया ने खाना खा लिया है, हम ही रह गया है, बस दीदी और मैं ही रह गया है खाना खाने के। बच्चों ने भी खाना खा लिया है, भैया ने भी खाना खा लिया है, भैया ऊपर सोने गए हैं, और बस अभी हम लोग खाना खा लेते हैं। और चलिए गाइस, मैं खाना खाने बैठ जाऊंगी तो फिर बात नहीं हो पाएंगे आपसे, और उसके बाद फिर हम लोग बातें करने बैठ जाते हैं तो फिर आप लोगों को भूल जाती हूँ मैं। तो चलिए अभी इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दीदी दिख रही है यहाँ पे, देखो। तो चलिए, दीदी वेट कर रही है मेरा खाने के लिए, मैं यहाँ पर बकबक कर रही हूँ। तो चलो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय गाइस, ध्यान रखना अपना।